brought to you by ITIL. दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने दिल्ली इल्यूमिनाटी इंडिया टूर को लेकर खबरों में हैं। 17 नवंबर को उनका टूर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा, जहां अचानक दिलजीत ने कॉन्सर्ट बीच में रोक दिया। इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जिस शो के टिकट्स इतने महंगे महंगे बिक रहे हैं, कुछ लोग बिना पास या टिकट के ही उस शो को देखने पहुंच गए। अब अगला सवाल आपके जहन में उठेगा कि इतना बड़ा इवेंट, इतनी टाइट सिक्योरिटी, और फिर कैसे बिना टिकट के लोग लाइव शो में पहुंच गए। ये लोग पहुंचे उस इवेंट पर नहीं, होटल की बालकनी से। इन्होंने बालकनी से ही पूरे शो का लाइव मजा उठाया। और तो और, इस होटल की बालकनी पर दिलजीत की नज़र भी पड़ गई। दिलजीत ने जैसे ही देखा कि कुछ लोग बिना पास या टिकट के ही उनकी परफॉर्मेंस के मज़े ले रहे हैं, तो उन्होंने अपना शो रोक दिया और बिल्कुल शांति से उनकी तरफ देखने लगे। कुछ देर उन्हें शांति से देखने के बाद दिलजीत ने उन सभी से कहा कि जो होटल की बालकनी में बैठे हैं, आपका तो बहुत अच्छा व्यू है यार, ये तो होटल वाले गेम कर गए विदाउट टिकट। हाँ, बस इतना कहते ही दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे और फिर दोबारा से कॉन्सर्ट शुरू हो गया। दिलजीत का ये रिएक्शन और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उनके इस वीडियो पर खूब मजे भी ले रहे हैं। हाल ही में उनके इसी कॉन्सर्ट से एक स्पीच भी वायरल हुई थी। दरअसल दिलजीत को हैदराबाद में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले तेलंगाना सरकार ने एक नोटिस दिया। इस नोटिस के जरिए उनको चेतावनी दी गई कि वो शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी गाने पर परफॉर्म नहीं कर सकते। तेलंगाना सरकार के नोटिस के बाद हैदराबाद में अपने कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने अपने कुछ गानों के बोल में फेरबदल किया। इस कॉन्सर्ट के दौरान भी उन्होंने तेलंगाना सरकार की ओर से मिले नोटिस पर बात की। इसके बाद जब वो गुजरात वाले इवेंट पर पहुंचे, तो यहां पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सारे स्टेट शराबबंदी कर दें तो कभी भी शराब पर गाना नहीं गाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात कंसर्ट के लिए उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और वो इस बात की इज्जत करते हैं कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है और वो राज्य के नियमों का पालन करेंगे। वैसे दिलजीत को जब शराब के गानों पर नोटिस मिला, तब उन्होंने इसको लेकर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि दर्जनों से ज्यादा धार्मिक गाने गाए हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं करता। बॉलीवुड के कितने ही एक्टर्स शराब का प्रचार करते हैं, उनकी भी कोई चर्चा नहीं करता। आपको बताते चले कि दिलजीत पहले दुनिया भर में और अब देश भर में दिल्ली इल्यूमिनाटी टूर कर रहे हैं। इस दौरान उनके कॉन्सर्ट के टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं और दर्शक जमकर उन पर प्यार लुटा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई मेरे साथी शुभम ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह, यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल, जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कटअप जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए dlallantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से, कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में, लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।